गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीलम फ्रॉम एसटीबी स्कोल्डिंग डॉट सिरसा। तो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सेकंड रीड करेंगे। द यंगर ब्रदर हिट एंड द डियर स्टेप्ड आउट फॉर ए सिप ऑफ वाटर। हिट का मीनिंग होता है छिपना। छोटा भाई छिप गया, हिरण पानी का घूंट लेकर बाहर आ गया। Soon he sensed his brother Aro coming on him। जल्दी ही उसे अपने भाई के उस पर तीर आने का एहसास हुआ। He ran back into the bushes। bushes का मीनिंग होता है झाड़ियाँ। वह वापस झाड़ियों में आ गया। The younger brother could not take it anymore। छोटा भाई अब इसे नहीं ले सकता था। He threw down his bow and arrow। उसने अपना धनुष और तीर फेंक दिए। He called brother come out। उसने बुलाया, भैया बाहर आ जाओ। Let us both have water together। चलो दोनों इकट्ठे पानी पीते हैं। I cannot kill you and I will never kill an animal again। मैं तुम्हें नहीं मार सकता और ना ही मैं आगे से किसी और जानवर को मारूंगा। The deer came out। हिरण बाहर आ गया। And the brothers drank water together। और दोनों ने इकट्ठा पानी पिया। चलो कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स करते हैं। वर्ड मीनिंग देखो बेटा। सेंसिटिव, समवन हु अंडरस्टैंड्स अदर फीलिंग। इसका मीनिंग जो दूसरों की फीलिंग को समझते हैं। वॉयलेंट, समवन हु फिजिकली हार्म अदर। जो दूसरों को फिजिकली आघात पहुंचाते हैं या परेशान करते हैं। एग्रीमेंट, When different people promise or agree to do something। जब हम दूसरे लोगों से promise करते हैं कुछ करने के लिए। Past, extremely thirsty, बहुत प्यास लगना। Sensed का meaning a feeling about something, दूसरों के बारे में महसूस करना। तो students, इसके related example है। इन words को use करके क्या बनाए हुए हैं, examples बनाए हुए हैं। तो students, आपने ये read करने हैं, okay, और इनको understand करना है। Okay, thank you students।